चलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उसका 2.3 का इंट्रोडक्शन है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में इसमें बता रखा है कि हम कैसे इसको यूज़ करके पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और पॉलिनोमियल के रिमाइंडर्स निकालेंगे। लेट्स सी, पहले एक बेसिक जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन होता है 12 डिवाइड बाय 5, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे 5 को यहाँ बाहर लिखते हैं और 12 को अंदर लिखकर उसको डिवाइड करते हैं 5 to the 10, तो ये 2 बचता है हमारा। तो व्हाट इज 2? हम ये चीज़ पढ़ते हुए आएँ, इसको तो हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मेरा यहाँ पे क्या है, 12। डिवाइज़र होता है जो मेरा बाहर हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइज़र। ऊपर वाला जो होता है वो होता है डिविडेंड, नीचे वाला जो होता है वो होता है डिवाइज़र। ऊपर जो आंसर आता है, या हम लोग आंसर इस साइड भी लिखते हैं, तो जो ये आंसर आता है उसको क्वेश्चेंट बोलते हैं, और जो बचता है एंड में दैट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है। रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा कभी नहीं हो सकता, रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा ही होता है। तो इसको एक फॉर्म में लिख दिया, यहाँ डिवाइज़र लिखते हैं, यहाँ डिविडेंड, यहाँ क्वेश्चन और यहाँ रिमाइंडर। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये भी आप पढ़ चुके हो बहुत पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम अगर डिवाइज़र और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमारा डिविडेंड आता है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, अगर 5 into 2 plus 2, तो 5 2 is 10 प्लस 2 is 12, तो मेरा डिविडेंड आ गया 12। तो अगर मैं डिवाइज़र और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करती हूँ और रिमाइंडर ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर 12 आता है। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल और लिया है, जैसे 10 divided by 5 है, तो अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 2 से 10 आ जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आया, 0। आप इसको कैसे डिवाइड लिखोगे, डिविडेंट इज इक्वल टू 5 into 2, जो आपका डिवाइज़र है उसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, प्लस रिमाइंडर 0 लगा दिया। अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये पूरा का पूरा इसे डिवाइड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 5 है वो इसका फैक्टर है। 5 और 2 जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये दोनों इस 10 के फैक्टर्स हैं। हम ये बोल सकते हैं कि 5 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। ये ध्यान रखना मैं क्यों बता रही हूँ, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको समझ में आएगा कि मैं फैक्टर्स क्यों बोल रही हूँ इसको। 5 और 2 इसके फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 10 के जो फैक्टर्स हैं, या 10 5 और 2 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारा एक और चीज़ आती है कि जो 10 है वो 5 और 2 का मल्टीपल है। 10 जो है, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 2, तो ध्यान रखना 5 और 2 इसके फैक्टर्स हैं और 10 इसका मल्टीपल है। 5 और 2 अगर मैं बोलती हूँ तो इसके क्या हैं, ये फैक्टर्स, और 10 जो है वो इनका क्या है, मल्टीपल है। नाउ पीछे अभी हमने नॉर्मल डिवीजन पढ़ा था, अब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। हम कैसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, और पॉलिनोमियल मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, तो उसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, x³, x² और x, ये तीनों लिए हैं मैंने, एक पॉलिनोमियल लिया है और उसको डिवाइड किया है x से, ये एक मोनोमियल है, इसको मैंने डिवाइड किया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x³ + x² + x / x, डिवाइड को नीचे करके लिख सकती हूँ ऐसे। अब इस x को मैंने तीनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, यानी x³ / x, x² / x और x / x। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस x से ये एक x कटेगा तो यहाँ 2x बचेंगे, यहाँ एक x से ये कटेगा तो यहाँ 1x बचेगा, और यहाँ पे एक भी x नहीं बचेगा। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे x² x + 1। अब कुछ भी, सब तीनों ही कैंसिल हो रहे हैं x से, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो x है ये इस पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर है, या फिर इन तीनों में x बिलोंग, तीनों में x था, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो इन तीनों में x है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि x इन सब का एक कॉमन फैक्टर है इन ऑल द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। x इज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स में एक x क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं जो आंसर आता है, देखो फिर अब इसको ऐसे लिखेंगे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, x³ + x² + x, ये मेरा डिविडेंट हो गया, डिवाइजर क्या हुआ मेरा x, और आंसर क्या आया मेरा x² + x + 1, ये मेरा आंसर आया, रिमाइंडर क्या आ रहा 0। तो ये और ये दोनों क्या कहलाते हैं, मैंने जस्ट पीछे बताया था, इन दोनों को हम बोलते हैं फैक्टर्स। x एंड x² + 1 हमारे फैक्टर्स हैं इसके, और ये इसका क्या है, मल्टीपल है। ये दोनों तो हैं फैक्टर्स, और ये जो है वो क्या है,
मल्टीपल जो डिविडेंड होता है वो इन दोनों का मल्टीपल है, और ये एक्स और एक्स स्क्वायर डिवाइजर और क्वेश्चन हमारे फैक्टर्स होते हैं, ये तो होते हैं इसके फैक्टर्स, और ये जो होता है ये होता है मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं ये कॉमन फैक्टर निकल गया क्योंकि इसमें पूरा डिवीजन हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं ऐसा लेके आ देती हूँ जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, डिवाइड बाय एक्स है, तो इसको मैंने जैसे वापस वही चीज़ रखी, नीचे एक्स लिखकर तीनों पर स्प्लिट करा, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा और प्लस वन अपॉन एक्स लिखा। इसमें तो ये कैंसिल होकर स्क्वायर आ गया, इसमें भी कैंसिल होकर वन आ गया, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्टार्टिंग में तो इन दोनों में आ गया, लेकिन इसमें वन अपॉन एक्स पीछे रह गया, तो दिस इज आवर रिमाइंडर, ये हमारा बचा रह गया। तो हियर वन कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एक्स, देयरफॉर वन इज द रिमाइंडर ऑफ द अबव डिवीजन। तो ये वन जो है वो इसका रिमाइंडर बचा, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब डिवाइजर और क्वेश्चेंट, डिवाइजर और क्वेश्चेंट ये आया, ये इज इक्वल्स टू डिविडेंट होगा। तो ये दोनों तो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स, और ये इसका रिमाइंडर, और ये क्या होगा, ये होंगे मल्टीपल होगा ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइजर वो, और जो हमारा क्वेश्चन आंसर में आता है, जो क्वेश्चन आता है, जो आंसर आता है, दैट इज आर डिवाइजर, सॉरी फैक्टर। अब हम एग्जाम्पल सिक्स लेके चलते हैं, इसमें डिवाइड किया है, अभी तक तो मैंने पीछे बताया पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, अब हमें करके देखना है पॉलिनोमियल को किसी एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड, अब हमें इसको डिवाइड करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी एक्स क्वेश्चन है, डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, वेयर पी एक्स इज दिस एंड जी एक्स इज दिस। तो पी एक्स जो है उसको सबसे पहले आपको अरेंज करना है, अरेंज में कैसे करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा जो होता है वो आगे लिखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी डिग्री है, पावर है, तो जिसकी सबसे बड़ी पावर है उसको आगे लिखते हैं और फिर छोटी पावर वाले पीछे लिखते हुए जाते हैं। तो पी एक्स को पहले मैं अरेंज करके लिखूंगी, इसमें सबसे बड़ी पावर थ्री एक्स स्क्वायर की है, तो थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगी, फिर आता है एक्स मेरा, और फिर आएगा कॉन्स्टेंट, इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, तो सबसे एंड में लिखते हैं। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखेंगे, फिर इस जी एक्स को भी मैं अरेंज करूंगी एक्स प्लस वन करके लिखूंगी, क्योंकि इसमें है वेरिएबल की पावर, तो यहाँ पे इधर एक्स आ जाएगा, फिर आएगा कॉन्स्टेंट नंबर जी एक्स। अब सिंपल डिवीजन है जो हमने एट्थ में किया है, इस टाइप के डिवीजन मैं लिखूंगी, थ्री एक्स स्क्वायर, जो ये जो है पी एक्स, ये मेरा डिविडेंट है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, वो बोल रहा है पी एक्स बाय जी एक्स, यानी पी एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, तो जो ऊपर डिविडेंट होता है उसको अंदर लिखते हैं, और फिर इधर मेरा क्या है एक्स प्लस वन। अब मैंने डिवीजन एट क्लास में भी समझाया था बहुत अच्छे से कि इसको मेरे को डिवाइड करना है, तो इस एक्स को मुझे थ्री एक्स स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा थ्री एक्स स्क्वायर बन जाए। मैंने एक तरीका बताया था कि थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करके देख लो, जो भी ये नंबर है इसको एक्स से डिवाइड कर लो, फिर इसको एक्स से डिवाइड करके देखो, तो मेरा क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा थ्री एक्स, ये आएगा, तो इसका मतलब मैं इस एक्स को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ थ्री एक्स से, तो मैं थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स प्लस वन को, इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा ये थ्री एक्स से, तो थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा थ्री एक्स। तो यहाँ नीचे क्या आया मेरा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जो भी स्क्वायर की टर्म है वो स्क्वायर के नीचे, जो x की टर्म है वो x के नीचे, ये ध्यान से लिखिएगा। और यहाँ टर्म नहीं होती तो मैं आगे क्वेश्चन से बताऊंगी कैसे करेंगे इसको, या तो अलग करके लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी आपको। अब इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो जो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे की टर्म होती है, जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद आई, उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं, यानी ये प्लस साइन है तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है, सिर्फ इसका साइन चेंज हुआ है, ये माइनस हो गया और ये प्लस का है, ये भी क्या हो गया माइनस। अब मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो जाते हैं। यहाँ क्या आया, ये हुआ है प्लस एक्स। अब आपको इस वाले साइन को ध्यान में नहीं रखना है, इस प्लस को ध्यान में रखना, अब ये बन गया है माइनस थ्री एक्स, तो मेरा अब आ गया है एक्स माइनस थ्री एक्स आ गया है, तो इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा टू एक्स, और साइन बढ़ेगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स, और इस माइनस वन को मैं नीचे कैरी डाउन कर दूंगी।
ओके अब कितना आया मेरा ये माइनस ऑफ 2x माइनस 1। अब मैं इस x को 2 बनाना है मुझे, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि ये मेरा 2 बने, तो मैं इसको ऐसे करके देख सकती हूँ माइनस 2x अपॉन x, इसे x x कैंसिल, मतलब माइनस 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ये आंसर आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 2 से तो मेरा माइनस 2x आ जाएगा। तो x प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 2 से, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एंड 2 वन सा 2, तो ये आंसर आया मेरा माइनस 2x माइनस 2। ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इसको माइनस 2 से, तो ये तो इसके साइन चेंज होंगे सबसे पहले, तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का है ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x विल गेट कैंसिल आउट, ये है माइनस 1 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो ये मेरा आया। अब मैं लिखूंगी इसके अंदर देखो डिवाइजर, ठीक है इसको मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, डिवाइजर मेरा कितना है x प्लस 1, क्वेश्चन 3x माइनस 2, ये मेरा क्वेश्चन है 3x माइनस 2, ये डिवाइजर था जिसे डिवाइड करते हैं, 3x माइनस 2 यहाँ लिखा, रिमाइंडर रिमाइंडर इज माय 1, डिविडेंड डिविडेंड मेरा कितना आया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये मेरा डिविडेंड है, ये डिविडेंड था, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज डिविडेंड, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ओके okay? अब हम इसको, अब मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अब आई हैव टू चेक कि ये सही है कि नहीं है, तो इसको ना दो मेथड हैं चेक करने के, ये मेरा रफ कॉलम था, इसको मैं अलग रफ कॉलम बना देती हूँ, ठीक है दो मेथड हैं चेक करने के लिए। सबसे इजी मेथड तो ये होता है कि ये जो डिवाइजर है मेरा, मैंने बताया था यहाँ पे अभी पीछे कि डिवाइजर और क्वेश्चन जो होते हैं ये दोनों हमारे क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं, ठीक है तो इन दोनों के फैक्टर्स हैं, तो डिवाइजर जो है मेरा यानी x प्लस 1 इसको मैं इक्वल्स टू 0 रख देती हूँ, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, ओके तो अब जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड मेरा क्या है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, डिविडेंड में मैं ये माइनस 1 पुट करके देखूंगी क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर है इसका, तो इस इक्वेशन में ये आना फिट होना चाहिए x की जगह, तो x की जगह लिखा मैंने माइनस 1, अब मैंने इस डिविडेंड में x की जगह लिखा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर की जगह लिखा माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, ये कितना आया माइनस 1 प्लस 3, ये तो 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस को स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये आया माइनस 1, तो 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, तो ये आंसर मेरा कितना आया 1, तो यानी मेरा रिमाइंडर आ गया सेम, ये दोनों के रिमाइंडर मेरे सेम आ गए, तो इसका मतलब मेरा डिविजन जो मैंने किया है वो सही है। एक और मेथड कौन सा है, सिंपल जो आपने बचपन में किया है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो जो मेरा डिवाइजर है x प्लस 1, क्वेश्चन कितना है 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके देखेंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। ट्राई करो इस x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 2 और फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 2, तो प्लस 1 तो है ही पीछे, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 1, 3x स्क्वायर तो और कुछ है ही नहीं, x और x है यानी ये हो गया प्लस x और यहाँ आ गया माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, माइनस है ना, हाँ माइनस 1, तो ये मेरा डिविडेंड के बराबर आ गया। इससे भी आप चेक करके देख सकते हैं और इससे भी चेक करके देख सकते हैं, आपके पास दोनों तरीके हैं टू चेक। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपने क्या किया, x जो मेरा x प्लस 1 डिवाइजर है उसको माइनस x इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करके देखा तो x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 1, इस माइनस वन को मैंने इस पूरे में पुट करके देखा, डिविडेंड में पुट करके देखा, डिवाइजर को इक्वल टू 0 किया और जो वैल्यू आई उसको डिविडेंड में पुट करके देखा तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1, और इसमें तो अपना नॉर्मल जो आप अभी तक करते हुए आओ वो करना है।
हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, इस पे भी पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करके लिखना है, डिवाइड दिस बाय दिस ये करके देखना है। तो सिंपल, अब मैं सबसे पहले देखूँगी क्या ये अरेंज है 4, 3, 1 एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर, तो इसके बीच में एक स्क्वायर मिस है ना, एक्स स्क्वायर मिसिंग है। तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकती हूँ, पी एक्स लिखा है मैंने 3x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 0x², क्योंकि यहाँ बीच में एक एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, यहाँ बीच में एक एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। ये हमेशा ऐसे डिसेंडिंग में चलना चाहिए 4, 3, 2 और फिर 1 तो है ही, माइनस 3x-1 x की पावर 1। तो ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए 4, 3, 2, 1 सो दैट हमारा जो डिवीजन है उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं। आप ऐसे ना करके, मैं बताऊंगी क्या करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। और ये तो x माइनस वन है, ये सही है, तो बस डिवीजन का साइन लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। 3x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 0x² माइनस 3x-1। ये मैंने इसका लिख दिया और मेरे को किससे करना है इसको, x माइनस वन से। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x की पावर 4 है, ठीक है। इसको मैं, मुझे अब x को 3x4 बनाना है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगी, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3x की पावर 4 को मैंने x से डिवाइड करके देख लिया तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया क्यूब। तो 3x³ से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ पूरे को, 3x³ से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 3x × 3x³ इज 3x की पावर 4 माइनस 1 है, क्यूब आएगा तो माइनस 1, 3x³ है तो क्यूब का मैं क्यूब के नीचे लिखूंगी 3x³। लाइन खींची, इनके नीचे वालों के साइन चेंज हुए, ये बन गया प्लस, ये भी बन गया प्लस, ये दोनों हो गए, सॉरी ये बन गया माइनस क्योंकि प्लस था, तो ये बन गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये है माइनस 4x³ और प्लस 3x³, तो ये माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 4 में से 3 गए तो 1 और बचा x³। 1x³ लिख सकते हो आप इसको, भले नहीं भी लिखोगे तो 1 चलेगा। अब मेरा यहाँ पे 0x² है, इसको ऐसे कैसे लिख लें, क्योंकि इस 0 × something विल बी 0, तो इसको लिखने से हमारे डिजिट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इस 0x² को लिखने से हमारे डिजिट में कहीं कोई चेंज गया, लेकिन कैलकुलेट जब आप ये सॉल्व करोगे तब बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको कोई अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बाई चांस ये नहीं लिखती हूँ तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने उतारा x² नाउ। अब मेरा x है, x को मुझे माइनस x³ बनाना है, माइनस ऑफ x³ मुझे बनाना है x को, तो इस x को मैं कैंसिल करके यहाँ पे कैंसिल करती हूँ और ये बनती है स्क्वायर माइनस x², तो मैं इसको अब किससे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस x² को, माइनस x² × x इज माइनस ऑफ x³, फिर ये आया माइनस माइनस प्लस x² आएगा, अब x² में x² के नीचे लिखूंगी। अगर बाय चांस मेरे पास ये नहीं लिखा होता तो इस x² को मुझे यहाँ अलग से सेपरेटली लिखना पड़ता और फिर वो नीचे उतारना पड़ता, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे चलें जिससे क्या होगा आपको अलग से कहीं लिखने की और ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जो टर्म नहीं है बीच में उसके आगे 0x² लगा के लिख लो, अब ये बन जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये है 0 वैसे भी और ये बचा मेरा, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा उतरा माइनस x² माइनस 3x-1 माइनस x² एक्स को अब माइनस x² से मल्टीप्लाई करना है, तो बनाना है एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस x² बन जाए, माइनस x² अपॉन एक्स करा तो माइनस एक्स, ये आया माइनस एक्स, माइनस x² इज माइनस x², माइनस x² इज माइनस माइनस प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस ऑफ 4x, बड़े का साइन और इन दोनों को ऐड कर दिया माइनस 1। अब मैं इसको x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस 4x बन जाए, माइनस 4 से, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 4 से, तो ये आया माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, ये तो प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल और ये मेरा रिमाइंडर क्या बचा, माइनस 5। तो अब ये मेरा डिविजन सॉल्व हो गया थ्रू पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। अब इसको वापस चेक करके देखते हैं, मैंने बताया आपको मेरा जो डिवाइज़र है एक्स माइनस वन है, इसको जीरो पुट करके देखो तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब जो मेरा डिविडेंट है 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x-1, इसमें मैं 1 पुट करके देखूंगी, 3 1 की पावर 4 माइनस 4
वन क्यूब माइनस थ्री वन माइनस वन, तो ये आया थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन. अब प्लस का थ्री माइनस का थ्री कैंसिल, माइनस फोर माइनस वन इज माइनस फाइव. करेक्ट आ गया मेरा रिमाइंडर, तो मेरा आंसर सही है. अब यहाँ लिख सकते हो आप डिवाइजर क्या है मेरा x माइनस वन, डिविडेंड क्या है मेरा 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, क्वेश्चंट आया मेरा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और रिमाइंडर कितना है माइनस 5. ठीक है, ध्यान रखना है डिवाइजर को जीरो पुट करना है और उसको जो वैल्यू आती है वो डिविडेंड में पुट करनी है. और एक और तरीका है वो आप कर सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. ये आप करके देखना घर पर, इससे भी तुम्हारा आंसर डिविडेंड आ जाएगा. तो ये मैंने इसलिए बताया है बिकॉज आगे के सारे क्वेश्चन में जो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे वो यही है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये मेथड आपको हर क्वेश्चन में आगे फॉलो करना पड़ेगा. अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें बता रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना तो स्क्वायर है ना सिंगल नंबर x है, कुछ भी नहीं है, और x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है. तो मैं पहले इसको अरेंज करके लिखती हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1. एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी बुक में अलग तरीके से कर रहा है, मैं आपको बता दूंगी आपको वो भी सॉल्व करना. तो अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1. ओके और ये क्या है x प्लस 1 से इसको डिवाइड करके देखना है. तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x स्क्वायर से, तो मेरा x क्यूब बन जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर. अब मेरे को डायरेक्टली x स्क्वायर के नीचे लिखना पड़ा, मुझे अब कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. माइनस एंड माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये बनेगा माइनस x स्क्वायर, ये तो जीरो है वैसे भी, तो ये जो होगा वो नीचे आएगा, इसका साइन साथ में आएगा, प्लस 0x प्लस 1. अब मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूँ, माइनस x से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस एक्स, तो मैंने अब डायरेक्टली एक्स के नीचे एक्स ही लिख दिया. ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये कैंसिल, तो ये हो गया एक्स प्लस वन. तो मैं किससे करूंगी, प्लस वन से, तो एक्स प्लस वन, ये दोनों ही कैंसिल हो गए, इसका मतलब आंसर आ गया रिमाइंडर जीरो. तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि हाँ ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया. जब हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो वो इसका फैक्टर नहीं बनता है, क्योंकि मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि जो फैक्टर्स तभी बनते हैं, ये और ये फैक्टर्स तभी बनते हैं जब रिमाइंडर जीरो आता है. अब जो एनसीईआरटी बुक में जो मेथड्स फॉलो कर रखा है वो मैं आपको बताती हूँ, उसने क्या कर रखा है, उसने एक्स क्यूब प्लस वन ही लिखा, और एक्स प्लस वन ही लिखा, फिर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा एक्स क्यूब, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को उसने अलग से यहां लिख रखा है, यहां नीचे वन के नीचे तो लिख नहीं सकते, तो उसने अलग से यहां लिख रखा है. फिर ये आएगा माइनस, और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल. अब इस एक्स, इस माइनस एक्स स्क्वायर को यहां उतार के प्लस वन लिख रखा है, पहले वो उसको ये उतारेगा फिर वन उतारेगा, ये उतारा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, माइनस एक्स से, माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स आएगा, अब वो वहां अलग से वापस लिखा है उसने, तो प्लस और प्लस, ये कैंसिल, और ये आया एक्स प्लस वन, फिर ये आ जाएगा प्लस वन, तो एक्स प्लस वन करके जीरो. आया समझ में, उसने ऐसे कर रखा है. तो आपको जो इजी लगे, मुझे तो ये ज़्यादा इजी लगता है बिकॉज एक फॉर्मेट के थ्रू चलता रहता है, हमको अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. और बाय चांस आपने अलग से यहाँ लिखा और इसको कैरी डाउन करते वक्त आप भूल गए तो गलती हो सकती है, तो इसको भी करते वक्त ध्यान रखिएगा, और ऐसे कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा. ओके, अब आप रिमाइंडर थ्योरम यानी एक्स इज प्लस वन को जीरो पुट करके एक्स माइनस वन, इसको आप अब इस डिवाइजर के अंदर पुट करके देखो. डिवाइजर ये चेक कर रही हूँ मैं दोनों क्वेश्चन को, डिवाइजर के अंदर पुट करके देखो, सॉरी डिविडेंट के अंदर, डिविडेंट डिवाइजर को डिविडेंट के अंदर पुट करके देखो. डिविडेंट है मेरा एक्स क्यूब प्लस वन, अब इसको माइनस वन का क्यूब प्लस वन रख कर देखेंगे तो माइनस वन का क्यूब इज माइनस प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. तो आ गया हमारा रिमाइंडर. तो ये वी हैव चेक दिस, और आप उससे भी चेक कर सकते हैं, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस क्वेश्चंट, डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ रिमाइंडर तो जीरो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन. अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं डिविडेंड के, और डिविडेंड जो होता है वो इसका मल्टीपल होता है. अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, वही चीज़ जो अभी मैं पीछे आपको सभी क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, वही चीज़ वो बोल रही है.
क्या है, पी एक्स एक डिविडेंड है, ये बोल रहा है कोई डिविडेंड, एक्स माइनस ए अपना क्या है डिवाइजर, क्यू एक्स आपका क्वेश्चन है जो आता है, और आर एक्स इज योर रिमाइंडर। ठीक है, ये एक्स की टर्म में होते हैं इसलिए उसने ऐसे लिखा है। किसी एक डिविडेंड को, किसी एक टर्म को आप किसी से डिवाइड करोगे, किसी एक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करोगे, किसी पॉलिनॉमियल को एक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करोगे, डिवाइजर से डिवाइड करोगे, आपका क्वेश्चन कुछ आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो वो उसने थ्योरी में लिख कर दिया है कि व्हेन डिविडेंड, व्हेन अन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए और क्यू एक्स आता है और आर एक्स रिमाइंडर बचता है। तो अब इस जगह हम रिमाइंडर फाइंड कैसे कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद, वही चीज कि डिवाइजर को इक्वल टू जीरो पुट करो, डिवाइजर को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल्स टू ए आ जाएगा, ये डिवाइजर होता है, इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करके देखा और हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। जो अभी पीछे बहुत सारी उसमें क्वेश्चंस में किया उसमें अपन ने पूरा लॉन्ग डिविजन मेथड करके किया। अब जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन का मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, उसने सिर्फ यही पूछा है कि इसका रिमाइंडर निकालो, उसने नहीं पूछा है क्वेश्चन निकालो या कुछ भी करो। तो डायरेक्टली बाय रिमाइंडर थ्योरम से आप कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है, पुट डिवाइजर इज इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स माइनस वन को मैंने जीरो पुट किया। ओके, तो मेरा आंसर क्या आया, एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब इस पूरे में जो मेरा डिविडेंट है उसमें मैं वन पुट करके देखूंगी, प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें मैं वन पुट करके देखती हूँ, प्लस वन माइनस टू वन प्लस वन प्लस वन, यानी जो मेरा पी एक्स था उस पी एक्स की जगह मैंने वन पुट करके देख लिया। अब तो वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन टू माइनस टू प्लस टू, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया डायरेक्टली। तो आपको वो पूरा लॉन्ग मेथड डिवीजन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं करी, खाली अगर रिमाइंडर निकालना है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्टली डिवाइजर को जीरो पुट करके आप जो आएगा आंसर वो पुट कर दो डिविडेंड में और आंसर आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ये जो है हमारा क्या है, रिमाइंडर, जो अभी पीछे मैंने करके बताया। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताया, चेक वेदर क्यू टी, ये जो है हमारा डिविडेंड है, इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस वन। अगर ये इसका मल्टीपल है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर होना चाहिए, ये अगर इसका फैक्टर है तो इसको हम लोग डिवाइजर है ये हमारा, तो डिवाइजर को 2t प्लस वन, डिवाइजर को हम इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या आएगी, वन को यहाँ शिफ्ट करूंगी तो आएगा माइनस वन, और इस टू को इधर शिफ्ट करूंगी तो आएगा माइनस वन बाय टू। इस माइनस वन बाय टू को इसके अंदर मैं पुट करके देखती हूँ, अगर मेरा आंसर जीरो आ गया तो ये इसका मल्टीपल होगा और आंसर जीरो, यानी रिमाइंडर अगर मेरा जीरो आ गया तो ये इसका मल्टीपल होगा, नहीं आया तो वो नहीं होगा। फोर टी की जगह मैंने पुट किया माइनस वन बाय टी क्यूब प्लस फोर टी स्क्वायर वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू माइनस वन। ठीक है, माइनस वन बाय टू, तो फोर माइनस वन का क्यूब विल बी माइनस वन और टू का क्यूब इज टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, प्लस फोर माइनस वन का क्यूब विल बी प्लस वन और टू टू ज़ा फोर, माइनस 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 प्लस वन बाय टू और माइनस वन। इस फोर को फोर काट देती हूँ मैं, फोर टू ज़ा एट आ गया, तो ये मेरा आंसर आ रहा है इसमें माइनस वन बाय टू, ये आया इसमें तो प्लस वन आया, प्लस वन ये आया माइनस वन बाय टू। ठीक है, फिर आया इसका आंसर प्लस वन, फिर आया वन बाय टू माइनस वन, वन बाय टू से वन बाय टू, प्लस वन से प्लस वन, तो आंसर आ गया जीरो। तो यस वी कैन से दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया, जब मैंने इसको जीरो पुट किया डिवाइजर को, टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करी और मेरा आंसर जीरो आ गया, तो यस वी कैन से दैट दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस और दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, तो अब आप इसकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व कर सकते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, छोटी सी एक्सरसाइज है रिमाइंडर थ्योरम। तो अब आप जल्दी से इसको सॉल्व कर दिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।